बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं सनम और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनम ब्यूटी एंड हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके पिगमेंटेशन के ऊपर, आपके फेस के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, छाइयाँ होती हैं उसके ऊपर। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये देखिए, मेरे पास है वाइट बैलेंस क्रीम जो कि स्पेशल बनी है आपके फेस की छाइयों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, मिलाज़मा के लिए। अब बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से स्किन के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है और आप परेशान होते हैं, मगर मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आप अपनी रूटीन में पानी बहुत ज़्यादा पिया करें। पानी पीने से आपकी स्किन साफ़ होती है, यंग होती है, चमकदार होती है, ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में। तो आप ये वाली जो वाइट बैलेंस क्रीम है ये यूज़ किया करें, और इसके ऊपर जो इसके यूज़ करने का तरीका इन्होंने लिखा है वो ये है कि आपने दिन में 2 बार इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, और छोटी सी इसके अंदर ये देखिए एक ट्यूब होती है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी हवा भरी हुई है इसमें, ये सारी यूज़ हो चुकी है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 700, और आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। 2 टाइम इसे यूज़ करें और इसकी जो प्राइस है वो है 700। और इसके बाद ये देखिए मेरे पास है सीकॉन, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा आप सीकॉन की टैबलेट, विटामिन सी की एक टैबलेट डेली खाया करें। इसको खाने से ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, छाइयाँ होती हैं, जो वाइटनिंग ख़त्म हो जाती है, ये आपकी वाइटनिंग को दोबारा से लेके आती है, छाइयों को ख़त्म करती है। तो प्लीज़ आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करें। इन दोनों को यूज़ करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये बेस्ट हैं दोनों चीज़ें आपकी स्किन को साफ़ करने के लिए। आप इसे यूज़ करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर फ़र्क ना पड़े तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आपको बताया जाएगा कि फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।